आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला बाटी, स्टफ बाटी। ये बाटी मैं एकदम कम ऑयल में और अप्पम पैन में बनाना बताऊँगी। आप ये मसाला बाटी अप्पम पैन में कितने अच्छे तरीके से बना सकते हैं कम ऑयल में, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, और इसका बनाना बहुत आसान है, और इतनी जल्दी फटाफट रेडी हो जाती है हमारी बाटी कि आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी में आप बनाना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी बन जाती है और ऑयल भी कम लगता है। तो चलिए बताती हूँ मैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले मुझे। बाटी बनाने के लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। गेहूं के आटे में मैं थोड़ा अजवाइन डालूंगी, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको थोड़ा क्रश करके हाथों की हेल्प से मैं डालूंगी। स्वाद के अनुसार यहाँ पे मैं नमक ऐड कर दूंगी, ताकि नमक डालने से क्या होता है कि पूरे अच्छा सा टेस्ट आता है। और 1/4 यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा ऐड करूँगी, और 2 चम्मच यहाँ पर मैं घी ऐड करूँगी। घी डालने से आप बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आता है और जो क्रिस्पी भी बनता है हमारी बाटी। तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा वाटर डाल के हम इसका एक डो रेडी करेंगे। डो हम मीडियम डो रेडी करेंगे, और इसका बहुत हार्ड भी नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डो रेडी कर लिया, आप देख सकते हैं, मैंने आपको दिखाया, इस तरह का होना चाहिए डो। और इसको हम 10 मिनट के लिए एक साइड में रख देते हैं थोड़ा देर सेट होने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पे हम लोई ले लेंगे और लोई के हम बराबर भाग में बांट लेंगे, और जितना बड़ा आपको बनाना हो बाटी उस हिसाब से आप अपनी लोई बना सकते हैं। और अब हम इसे स्टफ़ करेंगे। तो जो स्टफिंग मैंने आलू की बनाई है वो उसकी जो स्टफिंग की वीडियो है वो पहले से है मेरे चैनल पे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसको हम इसी तरह से भर लेंगे और हल्के हाथों से, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम इसको अच्छे से रोल कर लेंगे, तो इस तरह से गोल गोल शेप में हम रोल कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरा भी भर के आपको दिखाते हैं। तो दूसरा भरने के लिए हम इसी तरह से भर लेते हैं। तो इसको आप अच्छे तरीके से भर लें, और चारों तरफ से इस तरह से भी आप, ये दूसरा तरीका है इसको भरने का, आप ऊपर से प्रेस करते जाइए और इधर से आप ऐसे उठाते जाइए। तो इस तरह से दबा दबा के आप स्टफिंग को भर देंगे, तो बहुत अच्छे से बाटी के अंदर स्टफिंग भर जाएगी। इसी तरह से हम जितने भी बाटी हमें बनाना हो सबको बना लेंगे और रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी बाटी को बना लिया है, इस तरह से पूरा भर लिया है अच्छे से। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस में हम अप्पम पैन को गर्म कर लेंगे और उसके अंदर हम घी लगा देंगे। यहाँ पे मैंने घी लगाया, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हमें पूरे को ग्रीस कर लेना है ब्रश की हेल्प से, और उसके बाद फिर हम इसके अंदर बाटी को रख देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको हमें करना है, सेकना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ये जो बाटी हमने स्टफ़ करके रखी थी वो सब इसके अंदर हम एक एक करके रख देंगे। और फ्रेंड्स, इसे लो टू मीडियम पे ही करना है, बहुत तेज़ आंच नहीं करना है, नहीं तो जल जाएगा और पकेगा नहीं हमारी बाटी अच्छे से। यहाँ कवर कर दिया है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम एक बार पलट देंगे। तो यहाँ पर मैंने पलट दिया है, और इस तरह से घुमा घुमा के हम चारों तरफ से बाटी को सेक लेंगे। बाटी को हमने तब तक सेकना है जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाए और इसमें क्रैक्स नहीं आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रैक्स भी दिखाई दे रहे हैं, और इसको सिकने में 10 से 15 मिनट लगता है। जब ये सिक जाएगी तो हम इसको घी के अंदर इस तरह से डिप कर लेंगे ताकि बाटी खाने में और अच्छी लगे। अगर आपको घी अवॉइड करना है तो अवॉइड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप इसको कर सकते हैं घी के अंदर, लेकिन घी में अगर आप डिप करके खाएंगे तो आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक बाटी तोड़ के। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं एक बाटी को तोड़ी हूँ, किस तरह से एकदम लग रही है ना कचौड़ी की तरह, बिल्कुल कचौड़ी वाली अप्पम पैन में बाटी मैंने बनाई है और मैंने सर्व कर दिया है। यहाँ पे मैंने दाल के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि दाल के साथ ज़रूरत नहीं है, अगर आपको पसंद है तो आप दाल के साथ भी खा सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये मेरी अप्पम पैन पार्टी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।